हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 29 अक्टूबर और पाँच नवंबर को आपके होने वाली जो परीक्षा है उसके लिए आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पी चाहिए तो ओनली आपको फिफ्टी रुपीज़ में दिए जा रहे हैं कितने रुपीज़ में ओनली फिफ्टी रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं अगर आपने अभी तक इनको बाई नहीं किया है तो आप लोग जरूर इसे बाई करिएगा क्योंकि आपको इसमें प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम को आपसे क्लियर कराएंगे आपको कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वहाँ पर अंदाजा पूरा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और वीडियो पसंद तो वीडियो पसंद आए तो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो तो चलिए एक एक को, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन को को अच्छी तरीके से देखते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तीस जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस को हुई थी कब हुई थी तीस जनवरी 1948 को हुई थी वो भी हुई थी दिल्ली में कब हुई थी दिल्ली में जो इनकी महात्मा गांधी की तीस जनवरी 1948 में हत्या कर दी गई थी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था तो ये दोबारा आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले वीडियो में हमने आपको करवाया था फिर भी आपको यहाँ इस क्वेश्चन को याद कर लेना है पाटली पुत्र क्या है प्राचीन जो पटना का प्राचीन नाम क्या था पाटली पुत्र था क्या था पाटली पुत्र था जिसका बाद में नाम रख दिया गया पटना रख दिया क्या रख दिया गया पटना बाद में नाम रख दिया गया बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्यग्रह यात्रा का नाम क्या था तो उसका नाम क्या था उसका नाम था दांडी यात्रा क्या था उसका नाम था दांडी यात्रा नाम था क्या नाम था दांडी यात्रा नाम था उन्नीस सौ तीस की प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था दांडी यात्रा नाम था क्या था दांडी यात्रा नाम था तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दांडी यात्रा और ये यात्रा कहां से शुरू हुई थी ये यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से और हम आपको बता दें कल से आपकी जो मैथ है उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे क्योंकि आप लोग कमेंट्स आ रहे थे तो मैथ और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे कल से आपके मैथ्स के वीडियो आएंगे तो ने आप प्रॉपर बेस पर जरूर देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फर खां को किसे कहा जाता है अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के लेखक थे तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे कौन थे बंकिम चंद्र चटर्जी बंदे मातरम गीत के लेखक थे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था सी गोपालाचारी कौन थे सी राजोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे इसके बाद गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह राष्ट्रपति पद आ गया था इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था क्या कहा था उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तो सही आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इसके बाद है मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से जाना जाता है तो मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है माउंट ऑफ डेड नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है डेड मीस क्या होता है मृत्यु होता है माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा किसकी कृति है तो शाहनामा किसकी कृति है तो ये फिरदौस की कृति है किसकी है फिरदौस की कृति है तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा फिरदौस की कृति है किसकी कृति है फिरदौस की कृति है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह फुरसिकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है अकबर को जाता है किसको जाता है अकबर को जाता है तो सही जवाब आपका हो जाएगा अकबर को जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थाई सदन कहा जाता है तो राज्यसभा को स्थाई सदन क्यों कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राज्यसभा है उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है इसलिए इसे स्थायी सदन का नाम दिया जाता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था तो ये कब किया गया था उन्नीस में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था यानी कि इमरजेंसी लागू हुई थी तो इमरजेंसी कब लागू हुई थी तो आपकी इमरजेंसी लागू हुई थी उन्नीस सौ ईस्वी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था छब्बीस नवंबर उन्नीस को अंगीकृत किया था तो सही जवाब आपका हो जाएगा छब्बीस नवंबर उन्नीस को किया था तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उन्नीस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है तो हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है तो किससे की है यू एस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे जो मूल अधिकार हैं वो लिए गए हैं तो so, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यू एस ए किससे यू एस ए से यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे मूल अधिकार की संकल्पना ली गई है इसके बाद है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है तो कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है सिक्स मंथ्स यानी कि छः महीने के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है उस पर किसी व्यक्ति को बैठाना जरूरी है तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा छः महीने के अंदर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है तो 370 अनुच्छेद कौन सा 370 अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान को जम्मू तथा कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा देता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो राज्य सभा के सदस्य का काल, काल होता है छ वर्ष होता है कितना होता है छ वर्ष होता है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्स वर्ष का होता है इसके बाद फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है यानी कि जो फोर्थ स्टेट पद है वो किसे संदर्भित करता है तो ये प्रेस को करता है किसको करता है प्रेस यानी कि मीडिया को करता है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेस इसके बाद है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण कौन थे डॉक्टर एस राधा कृष्ण या डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण या फिर डॉक्टर एस राधा कृष्णन इसके बाद है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोनों बात एक ही है किसे कहा जाता है सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है कुरियन को इसके बाद हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है इसके बाद है रणथम्बोर चीता सरल स्थल कहाँ पर है तो चीताचरण स्थल कहाँ पर है राजस्थान में है कहाँ पर है राजस्थान में है तो सही जवाब आपका हो जाएगा राजस्थान क्या हो जाएगा सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है तो वो है बिहार राज्य क्या है बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है तो सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार क्या हो जाएगा सही जवाब आपका हो जाएगा बिहार में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है किससे हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है तो वो है उत्तर प्रदेश किसको स्पर्श करता है जो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती हैं तो वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसके बाद है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है तो भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है उत्तरी रेलवे जोन, जोन, तो जोन है कौन सा है उत्तरी रेलवे जोन है तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी रेलवे जोन है कौन सा है उत्तरी रेलवे जोन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है के है कौन सी है गॉडविन है है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है कौन सी है विश्व की अगर आपसे पूछी जाती है तो माउंट एवरेस्ट होगी अगर भारत की पूछते हैं तो केटू यानी कि केटू गॉडविन अस्टिन है इसके बाद है भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है तो भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है तो लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया किसके उत्पादन में लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है सही राइट आंसर आपका हो जाएगा लोहा सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था तो सम्राट अशोक किसका अधिकारी था तो यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था किसका था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था तो सही जवाब आपका हो जाएगा बिंदुशार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को पहली बार कब संशोधित किया गया था तो संविधान सभा को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था कब किया गया था 1950 में संशोधित किया गया था इसके बाद है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था तो रॉलेट एक्ट को उन्नीस ईस्वी में लागू किया गया था कब किया गया था उन्नीस उन्नीस ईस्वी में लागू किया गया था इसके बाद है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे किसको कहते थे अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे तो सही आंसर हो जाएगा अपने घोड़े को के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का बंदर कर बंदरगाह कहाँ पर था तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था लोथल में था कहाँ पर था लोथल में था तो सही आंसर आपका हो जाएगा लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था तो ये लोथल में था कहाँ था लोथल में था तो सही आंसर आपका हो जाएगा लोथल में तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जी के जी के क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा अगर आपको पीडीएफ बाई करनी है तो नाइन फाइव एट जीरो जीरो टू थ्री थ्री टू वन पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके पेमेंट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में